ओके okay. तो आज जो हम करेंगे, हम देखो फिर से आज वही करेंगे, टू फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स फाइंड करेंगे बट नॉट विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, डिटरमिनेंट एंड सो ऑन. टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स कर देता हूँ. ए इनवर्स फाइंड करना है लेकिन एक मैट्रिक्स में इक्वेशन दी हुई होगी, उसकी हेल्प से फाइंड करना है. एनसीईआरटी में इसके ऊपर दो क्वेश्चन है, तो लेट्स स्टार्ट. एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो मैं, आप लोग नोट करो, कुछ नहीं मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये बोर्ड में ना ये 6-6 मार्क्स का, मतलब तो 5 का हो गया, खैर 6-6 मार्क्स का भी आया हुआ है. अब है क्या, मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक ए मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स बनाओ आप सब लोग, 3x3 का मैट्रिक्स है. फर्स्ट रो में आप लिखेंगे 1 1 1, सेकंड रो में 1 2 -3, थर्ड रो में 2 -1 3. एक तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको वेरीफाई करना है क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन. अब देखो ये इक्वेशन कैसे दी हुई है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू कैपिटल ओ, नल मैट्रिक्स. तो पहले तो इसको सेटिस्फाई करवाना है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा देखो, हेंस फाइंड ए इनवर्स. ये इसकी वेटेज हो गई 5 मार्क्स अगर ये एग्जाम में आता है, तो लास्ट लास्ट ईयर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है. चलो जी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हमें देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए कौन कौन से मैट्रिक्स चाहिए, एक ए क्यूब चाहिए, एक ए स्क्वायर चाहिए, ए चाहिए और आई चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं ए क्यूब से. ए क्यूब डायरेक्ट नहीं आता, सबसे पहले आप सब लोग जरा ए स्क्वायर निकालो फटाफट से, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करो. ये मैंने लिख लिया यहाँ पे ए, और फिर से ये वाला ए साथ में कॉपी कर देते हैं. जरा मल्टीप्लाई आप लोग भी स्टार्ट करो भाई, पहले फर्स्ट रो को सभी कॉलम्स के साथ कर लेंगे, ठीक है. मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करो. 1 + 1 2 + 2 4, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 + 2 - 1 2, 1 + 3 4, 4 + 3 7. फर्स्ट रो में 4 2 7 आ रहा है, चेक करना एक बार मेरा भी. 1 + 2 3 + 6 9, 1 + 4 5, 5 - 3 2, फिर 1 + 6 7, 7 + 9 16, फिर 2. सर वो माइनस थ्री, सर माइनस थ्री है वो. माइनस, ओ शिट, मेरे को चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप लोग मैं चेंज कर रहा हूँ अपना, आप लोग ठीक कर लेना. ठीक है, ये मैंने माइनस थ्री नहीं लिया बाय मिस्टेक. फिर से करते हैं 4, ये तो ठीक है. हाँ थर्ड वाला ये चेंज हो जाएगा मेरा, 1 - 3 - 2 - 2 और +3, ये 1 हो जाएगा. फिर 1 1 + 2 3 3 - 6, ये -3 हो जाएगा. फिर 1 + 4 5 5 + 3, ये 8 हो जाएगा. ये 8 हो जाएगा. एंड 1 - 6 - 5 और - 9, ये -14 हो जाएगा. एक बार चेक करो करेक्ट है. यस सर, ये -14 है. थर्ड रो बता देना आप लोग क्या आ रही है, थर्ड रो अभी नहीं की, मैं कर लू. फिर 2 - 1 1 1 + 6 7, फिर ये 2 - 2 0 और ये -3, फिर ये 2 + 3 5 + 9 14. अब चेक करो जरा, ए स्क्वायर मैच हो गया. चलो अब ये बताओ ए क्यूब निकालने के लिए प्री मल्टीप्लाई में किसको रखना चाहोगे, ए स्क्वायर को ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है. चलो हाँ सेम होता है, तो हमने ए रख लिया है. चलो आगे ये ए आगे आ गया हमारा, और ये पोस्ट मल्टीप्लाई में हम लोग रख लेते हैं अपने ए स्क्वायर को. 4 2 1 - 3 8 - 14, फिर ये 7 - 3 14. और राइट, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं भाई, इससे ए क्यूब आ जाएगा. 4 - 3 1 + 7 8, 2 + 8 10 10 - 3 7, फिर 1 - 14 - 13 - 13 + 14 1, फिर सेकेंड रो लेते हैं
4, minus 6, minus 2, minus 2 or minus 21, minus 23, 2 plus 16, 18, 18 plus 9, 27, 1 minus 28, minus 27 or minus 42, minus 69. एक बार सेकंड रो मेरी चेक कर लेना जरा एक बार. यस सर. ठीक है. तो 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 21 32, 4 minus 8 minus 4, minus 4 or minus 9 minus 13 हो गया. एंड 2 प्लस 14 16, 16 प्लस 42 58 हो गया. ए स्क्वायर और ए क्यूब चेक कर लेना एक बार. तो टाइम लगा बस हमें ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालने में, आगे टाइम नहीं लगेगा. आप फटाफट से नोट करना अभी सब लोग, अगर नहीं निकला है तो आप देख लो भाई. बस हमें अभी ये जो इक्वेशन है ना यहाँ वैल्यूज पुट करनी है. सर नोटेड. ठीक है, अब हम देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. हमने ये वाली इक्वेशन जो प्रूव करनी है वो नोट डाउन कर लेते हैं जरा. हमारी इक्वेशन है ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर, फिर है प्लस फाइव ए प्लस इलेवन आई. इसको हमें लाना है नल मैट्रिक्स. जरा मुझे ए क्यूब बोलना कोई बच्चा, मतलब पावर को टर्न करना पड़ेगा. 871 माइनस 23. हाँ. 27 माइनस 69. ठीक है. 32 माइनस 13 एंड 58. करेक्ट. ये हमारा ए क्यूब हो गया. इसको थोड़ा ठीक से बना लेते हैं. 7 फर्स्ट रो में 7 है ना बीच में. यस सर. अच्छा अब एक काम करो, ये जो ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स है ना, देखो ये जो पहले निकाला था इसको 6 मल्टीप्लाई करके बोलना मेरे को. ठीक है, मैं लिखता हूँ 6 मल्टीप्लाई करके. 24, 12, 6. सेकंड रो. माइनस 18. हाँ. 48. माइनस 84. माइनस 84. चलिए जी नेक्स्ट थर्ड रो में आ जाइए. 42 माइनस 18 एंड 42. माइनस 18 एंड लास्ट 84. ठीक है, अब उसके आगे लेना है हमको 5 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स. ये चलो मैं लिख लेता हूँ, ए मैट्रिक्स है मेरे पास. 5 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 5 5 5. फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 5 10 माइनस 15, और थर्ड रो में हो जाएगा 10 माइनस 5 और 15. और इसमें लास्ट एक मैट्रिक्स ऐड करना है 11i. ये हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11. ठीक है, ये हमने देखो सारे मैट्रिक्स चारों प्लेस पे पुट कर दिए हैं. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. ये क्लियर है? Yes, sir. Yes. अच्छा अब देखो इसको जीरो कैसे दिखाएंगे. पहले हम ना ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें सेकंड मैट्रिक्स को माइनस कर रहे हैं. देखो तो 8 में से 24 माइनस हुआ माइनस 16, फिर 7 में से 12 माइनस हुए माइनस 5, फिर 1 में से 6 माइनस हुए फिर से माइनस 5. अब सेकंड रो माइनस 23 और माइनस माइनस प्लस 18 माइनस 5, 27 माइनस 48 ये हो गए 21, वो भी माइनस के. फिर माइनस 69 प्लस 84 तो 5, ये 15 हो गए प्लस के. ठीक है, अब थर्ड रो में आ जाओ. 32 माइनस 42 माइनस 10 माइनस 13 और प्लस 18 प्लस 5, 58 माइनस 84 माइनस के 26 हो गए. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टू मैट्रिसेस आपस में माइनस हो गई. और अब ये जो लास्ट वाली टू है इनको जरा प्लस कर देते हैं, देखते हैं इसमें क्या आ रहा है. तो 5 प्लस 11 16, 5 5 फिर 5, फिर ये 21 और ये माइनस 15. फिर थर्ड रो में आ रहा है 10 5 और 26. अब जरा इन दोनों में माइनस 5 आएगा ना थर्ड रो. माइनस 5. हाँ सॉरी. ठीक है, 10 माइनस 5 26 करेक्ट. अब जरा इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं. देखो तो फर्स्ट रो पूरी जीरो हो रही है, चेक करो आप, सब ऐड हो रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव है. सेकंड रो में भी नेगेटिव पॉजिटिव ऐड हो रहे हैं, ये भी सेकंड रो भी जीरो हो गई है. और ये लो जी आपकी थर्ड रो भी जीरो आ रही है. तो ये तो आपने शो कर दिया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक नल मैट्रिक्स आ रहा है. यहाँ तक क्वेश्चन आपका कई बार ढाई नंबर का है, कई बार तीन नंबर का है. 5 में से आप समझ लो आपको 3 मार्क्स तो पक्का मिलेंगे, काफ़ी मेहनत की है क्योंकि आपने. यहाँ तक पहले आप सब लोग कर लो और मुझे बताओ क्या क्लियर है यहाँ तक. यस सर.
तो हमने बस क्या किया, ए क्यूब निकाला, ए स्क्वायर निकाला, उसके बाद जो इक्वेशन थी वहां सारे मैट्रिसेस पुट कर दिए, प्लस माइनस करके दिखाया, पहले फर्स्ट टू सॉल्व किए उससे एक बनाया, लास्ट टू सॉल्व किए उससे एक बनाया, फिर दोनों को ऐड करके फाइनली नल मैट्रिक्स दिखा दिया। अब आगे की कहानी जो है वो सुनो, वो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो आपने क्या लिखना है भाई, आपका जो है ये तो प्रूव हो चुका है, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस 11i, ये आपका नल मैट्रिक्स प्रूव हो चुका है। अब इसी की हेल्प से आपको ए इनवर्स चाहिए, तो आपने क्या करना है देखो, या तो आपने करना है प्री मल्टीप्लाई या फिर आपने करना है पोस्ट मल्टीप्लाई। किससे? इस पूरी इक्वेशन को आपने या तो प्री मल्टीप्लाई करना है या पोस्ट मल्टीप्लाई करना है बाय ए इनवर्स से। कैसे लिखेंगे अब ये समझो, देखो तो बोलो प्री करें या पोस्ट करें, बोलो क्या बोलते हो? प्री करें। चलो तो देखो मैं थर्ड टर्म के आगे ये ए इनवर्स दिखाऊंगा, देखो प्री दिखा रहे हैं, ए इनवर्स ए क्यूब माइनस सिक्स के साथ भी ए इनवर्स ए स्क्वायर और फाइव के साथ भी देखो ए इनवर्स ए एंड प्लस 11 ए इनवर्स आई मैट्रिक्स, उधर भी आ जाएगा ए इनवर्स इनटू नल मैट्रिक्स। तो टीचर ने देख लिया भी, इसका मतलब बच्चे ने पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से। अच्छा अब देखो ये जो फर्स्ट टर्म है ना ए इनवर्स ए क्यूब, इसको भी हम डायरेक्ट लिखेंगे लेकिन यहाँ टीचर को साइड में करके दिखाएंगे। देखो कैसे करके दिखाना है ये, ये देखो जैसे ए इनवर्स और ए क्यूब को सॉल्व करके दिखा रहे हो, तो ए इनवर्स को ए इनवर्स यस, इसको ऐसे ब्रेक कर दो ए इंटू ए स्क्वायर में, और ए इनवर्स इंटू ए को बना दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आपने जरूर दिखाना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, साइड में दिखा दिया हमने कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ए स्क्वायर। अब ऐसे ही आपने देखो ये दिखाना है, ए इनवर्स ए स्क्वायर को लिख दिया ए इंटू ए, फिर ये ए इनवर्स इंटू ए आई इंटू ए बन गया और आई इंटू ए बन गया, तो इसको हमने लिख दिया डायरेक्ट सिक्स ए, एंड ये तो डायरेक्ट होता ही है ये फाइव आई। अच्छा चलो ये बताओ 11 ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स यस 11 ए इनवर्स, और नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किसी से साथ भी होगा तो वापस वो नल मैट्रिक्स हो गया। अब देखो यहाँ से हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस फाइव फाइव, ये जो 11 ए इनवर्स है उसको मैं उधर शिफ्ट किया नल मैट्रिक्स में से माइनस किया, ये बन गए माइनस ऑफ 11 ए इनवर्स। अब जरा मेरे को ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स बोलना, देखकर आप लोग ए स्क्वायर निकाला था ना वो वाला बोलना जरा, 4 2 1 4 2 1 -3 8 -14 ठीक है 7 -3 14 करेक्ट, इसमें से माइनस करेंगे 6 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये मैं लिख लेता हूं, ये मेरे पास ए है क्योंकि 6 6 6 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 6 12 -18 और फिर थर्ड रो में आ जाओ 12 -6 और 18, और इसमें ऐड कर देते हैं 5i मैट्रिक्स, ये हो गया 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इस तरह से हो गया, और ये मैं रख कर रहा हूँ ठीक है साइड वाला जो कैलकुलेशन है, ये आपको अपने सॉल्यूशन में साइड में दिखानी है टीचर को जरूर। अच्छा ये इक्वल टू चल रहा है माइनस ऑफ 11 ए इनवर्स, बस जरा सॉल्व करते हैं देखो, इस बार तीनों को सॉल्व करेंगे एक साथ, 4 में से 6 गए -2 -2 में प्लस 5 किया 3, 2 में से माइनस हुआ 6 -4 -4 में 0 ऐड हो गया तो -4, 1 में से माइनस हुआ 6 -5 प्लस 0 -5, फर्स्ट रो सॉल्व हो गई, -3 -6 ये हो गया -9, फिर 8 -12 -4 -4 में 5 ऐड हुए 1, फिर -14 में प्लस हुए 18 तो ये बन गया 4, थर्ड रो में आ जाओ 7 में से 12 माइनस हुआ ये बचे आपके -5, फिर -3 + 6 ये आपके हो गए +3, फिर 14 में से 18 गए -4 में प्लस 5 किया तो ये हो गया 1, ठीक है। ये मैंने तीनों मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट देखो कर लिया है, एक साथ कर लिया आप भी कर लेना, और इक्वल टू में चल रहा है 11 ए इनवर्स, मैंने लिखा खाली ए इनवर्स, अब बताओ ये -11 कहाँ गया, यस ये आपका -1/11 इस तरह से इस मैट्रिक्स के बाहर ये स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे आ गई, और ये लो जी ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, ये है इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज मेरे को जो समझानी थी वो यही थी, किसी इक्वेशन को पहले नल मैट्रिक्स प्रूव करवाया जाएगा, मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं इसको, और फिर उस इक्वेशन को आपने प्री मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से या पोस्ट मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसमें से ए इनवर्स निकालना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, वेटेज की बात करें तो 5 मार्क्स से नीचे मतलब ही नहीं होता, 5 मार्क्स क्योंकि टाइम भी लगता है और कैलकुलेशन भी ज़्यादा होती है,
थोड़ा ध्यान से चलना होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व करनी छोटी छोटी, माइनस प्लस की गलती हो जाती है कई बार। बताइए जी, क्लियर है सबको? Yes, कुछ भी किसी को पूछना है तो भाई पूछो, मैं आपको एक और दूंगा लेकिन आपको थोड़ा छोटा दूंगा, ठीक है? थोड़ा टाइम नहीं लगे ताकि जो आप लोग कर लेंगे तो मुझे बताएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूंगा। Yes, तो सबका हो गया इसका मतलब, तो मैं चलो मैं अब नहीं कर रहा हूँ, किसी का रह गया ना मुझे बता देना, मैं पेज टर्न कर दूंगा। तो ये लो जी, अब आप इसके टाइप का एक और क्वेश्चन कर लो, थोड़ा जरा स्पीड से करना। क्वेश्चन टू, एक मैट्रिक्स लिख लो ए, 2x2 का है आपके लिए, छोटा ये रहेगा बस, 2x2 का मैट्रिक्स है, 5, 3, -1, -2, वेरीफाई करो ये इसको सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इक्वेशन लिख लो a² -3a और -7i इक्वल टू आना चाहिए नल मैट्रिक्स, और उसके बाद आपको इस इक्वेशन से निकालना है ए इनवर्स, ठीक है? ये जल्दी हो जाएगा, चलो जी करो। एक तो 2x2 का मैट्रिक्स है, दूसरा ए स्क्वायर ही निकालना है बस, ए क्यूब में पढ़ना ही नहीं आपको, चेक करना है, थोड़ा स्पीड से करना भाई। एक सेकेंड आप सॉरी, मैं एक सेकेंड में आया जरा। एक बार मैं मैट्रिक्स चेक कर लूं, हो सकता है मैंने कोई आपको वैल्यू गलत ना दे दी हो। मैट्रिक्स है 5, 3, -1, -2, ठीक है, और इक्वेशन है a² -3a -7i, भाई क्वेश्चन को ठीक है बिल्कुल। चलो चेक करते हैं, मैं निकालता हूँ, देखो सर आ रहा है जीरो, आ रहा है जीरो, आ रहा है सर, आ रहा है, अभी बच्चे तो कह रहे हैं आ रहा है, देखो तो आपने कैलकुलेशन आ गया, आ गया, ध्यान से करना है, देखो एग्जाम में मैं यही कर रहा हूँ, कुछ नहीं प्लस माइनस में गलती हो जाती है बस हमसे, तो एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, एक स्क्वायर चेक कर लेना आप लोग, फर्स्ट रो पकड़ते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, 25 -3 22, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 15, 15 में से 6 गए 9, फिर -5 और +2 ये -3, फिर -3 और +4 1 हो गया। चेक करना ए स्क्वायर चेक करो, टेल ही जाएगा ना आपस में हमारा, यस सर यही है। अब देखो इस इक्वेशन में वैल्यू डालनी है बस, ए स्क्वायर मैट्रिक्स पुट कर लेते हैं, 22, 9, -3, 1 -3 times of a करते हैं 15, 9, -3, -6 और उसमें माइनस करेंगे 7i, 7007 सॉल्व करते हैं, तीन मैट्रिक्स एक साथ सॉल्व कर रहे हैं हमेशा, 22 में से 15 गए, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 9 गया, 0 में से 0 गया 0,
माइनस थ्री में प्लस थ्री, जीरो में से जीरो गया, ये भी जीरो, और वन माइनस सिक्स प्लस सेवन हो गए, सेवन माइनस सेवन, ये भी जीरो। ये लो जी, ये आ गया आपका इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब आप फटाफट से इसको प्री मल्टीप्लाई करके इनवर्स चेक करवाओ। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो तो मैं इसको देखो प्री मल्टीप्लाई दिखा रहा हूँ सभी टर्म्स को ए इनवर्स से। ये थ्री टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इनटू ए, ये सेवन टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इनटू आई इक्वल टू ए इनवर्स इनटू नल मैट्रिक्स। इसको आपने वही साइड में दिखाना है, ये ए बन जाएगा, ये थ्री आई हो जाएगा, ये सेवन ए इनवर्स हो जाएगा, सामने फिर से नल मैट्रिक्स आएगा, ये हो जाएगा ए माइनस थ्री आई इक्वल टू सेवन ए इनवर्स। बस यहाँ पे ए मैट्रिक्स रख लो, ए मैट्रिक्स जो दिया था आपको फाइव थ्री माइनस वन माइनस टू, और उसमें से माइनस करेंगे थ्री टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, दैट मीन्स थ्री जीरो जीरो थ्री। ठीक है, इसको माइनस करते हैं टू थ्री माइनस वन माइनस फाइव, और सामने जो सेवन ए इनवर्स है उसका वन बाई सेवन यहाँ लिख लेते हैं, और ये रहा जी आपका ए इनवर्स हो गया। सॉ इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछते रहते हैं कई बार, मैंने देखा है, तो इसलिए आपको ये करने जरूरी थे। एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन गिवन है ऐसे। बताओ जी, क्लियर हो गई ये टाइप, तो हम आगे चलेंगे अब। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है किसी इक्वेशन से इनवर्स कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब आप डालो प्रॉपर्टीज फॉर वन और टू मार्क क्वेश्चंस। ये काफी सारी हैं, मैं इसने आज हाफ कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से हाफ कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे हो जाएंगे इनके, हैं तो देखो बहुत छोटी छोटी, याद करना बहुत ज़रूरी है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। इसमें से आपके देखो ज़्यादा नहीं तो तीन चार क्वेश्चन तो पक्का लगेंगे, एक एक नंबर में जो आते हैं ना। नंबर वन देखो, आप किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, और फिर आपसे बोला जाता है उसका फिर डिटरमिनेंट निकालो। तो जब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के डिटरमिनेंट निकालना है तो इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू वन अपॉन सेम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। नंबर टू, अगर आप दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालते हो तो यहाँ पे ये रिवर्स हो जाता है, ये इनवर्स जब अंदर आता है तो ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाता है। नंबर थ्री, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के और फिर से इनवर्स निकालते हो तो कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की, डायरेक्ट आप ए लिख सकते हो। कुछ कुछ देखा जाए तो इंडेक्स वाले पावर जो होती है ना, पाई एक्सपोनेंट लॉग, वो काम कर रहे हैं देखा जाए तो। अच्छा, फोर्थ, ये एक मैट्रिक्स है, आप देख के बताना इस मैट्रिक्स का नाम क्या होना चाहिए। सपोज एक्स जीरो जीरो, जीरो वाई जीरो, जीरो जीरो जेड, बताओ कैसा मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स। यस, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है बेटा। स्केलर में क्या होता है, तीनों वैल्यू सेम होती है डायगोनल। ये सिंपल एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसकी खास बात आपको याद रखनी है, इसका अगर कोई डिटरमिनेंट आपसे पूछे तो डायगोनल के तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना, एक्स वाई जेड, और अगर कोई आपसे इसका इनवर्स पूछता है तो डायरेक्ट लिखना है, कोई डिटरमिनेंट कोई एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं उनको रेसिप्रोकल करके लिखना है। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। शर्त यह है कि मैट्रिक्स डायगोनल होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बहुत आसान, एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई कर दो डायगोनल के एलिमेंट्स, और इसको इनवर्स चाहिए तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को रेसिप्रोकल करके लिख दो, हो गया इनवर्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, पहले ट्रांसपोज कर लो इनवर्स, बाद में निकाल लेना, रिजल्ट सेम है। फोर दोबारा देखो, मैं आपको ना एक एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक मैंने मैट्रिक्स दिया आपको, मैट्रिक्स है सेवन जीरो 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 एट जीरो 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 माइनस टू, ये दिया मैंने, कभी इस मैट्रिक्स का इनवर्स बताओ। अब जिसको प्रॉपर्टी आती है उसके लिए तो एक सेकेंड का खेल है। इनवर्स पूछा है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ये लो आंसर, वन बाई सेवन जीरो 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 वन बाई एट जीरो और जीरो जीरो माइनस हाफ, हो गया बस खत्म। ये ए है तो ये उसका इनवर्स है। और अगर क्वेश्चन आता है नहीं इनवर्स नहीं चाहिए भाई इसका डिटरमिनेंट बताओ तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये रहा, तो ये हो जाएगा सेवन एट जब फिफ्टी सिक्स इंटू माइनस टू माइनस एक सौ बारह, इसका इनवर्स हो गया। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखें डायगोनल के बारे में, डिटरमिनेंट पूछेगा तो
तो डायगनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, इनवर्स पूछा जाता है तो डायगनल्स के एलिमेंट्स को रेसिप्रोकल करके लिखो। ऑल राइट, तो मैं अभी कराऊंगा क्वेश्चन, इसने मैंने इसको रब कर दिया, अभी जरूरत नहीं है, अभी हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी में अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना आता है, वो तो आपको निकालना आता है 2x2 का, 3x3 का, और उसका अगर डिटरमिनेंट पूछ लिया जाए तो देखो ध्यान रखना, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट चाहिए तो एडजॉइंट ए की जरूरत नहीं है, फिर तो आप सीधा डिटरमिनेंट ए ले लो और उसकी होल पावर एन माइनस वन। अब इसमें एन इंडिकेट क्या करता है, एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर मतलब कैसे, जैसे मैंने कहा 3x3 का मैट्रिक्स है तो एन की वैल्यू आपको 3 लेनी है, मैंने कहा 4x4 का मैट्रिक्स है तो एन की वैल्यू 4 लेनी है, 2x2 का मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 2 हो गया, एन की वैल्यू 2 लेनी है इस हिसाब से। तो अब देखो जहां पर भी मैं आगे आने वाली प्रॉपर्टीज में एन मेंशन करूंगा ना, तो आप समझ जाना एन वहां पे मेरा ऑर्डर होगा। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट चाहिए तो एडजॉइंट ए की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है, डिटरमिनेंट ए निकालो, होल पावर एन माइनस वन करो। ऑल राइट, यस सर, ठीक है। तो सेवेंथ प्रॉपर्टी लिखते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी में अगर आपको ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, हम पहले लिख चुके हैं ये वाली, और या फिर आपको एडजॉइंट ए इंटू ए करना है, तो ये कम्यूट मैट्रिक्स होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, और ये रिजल्ट इक्वल होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है डिटरमिनेंट ए इंटू आई के। तो ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना हो या एडजॉइंट ए इंटू ए निकालना हो, तो एडजॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमेशा स्केलर मैट्रिक्स आएगा और इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ए इंटू आई, मतलब स्केलर मैट्रिक्स आएगा हमेशा। सेवेंथ हो गई, आप नोट कर लेंगे तो मुझे बताएंगे, मैं पेज टर्न करना है। सर मतलब अगर वो हमें कहेगा कि एडजॉइंट ए इंटू ए निकालो तो हम डिटरमिनेंट इंटू आई करेंगे, बिल्कुल, अगर वो कहते हैं अच्छा वेरीफाई करके दिखाओ तो वेरीफाई करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, हम तो हमसे कोई पूछेगा ना ए इंटू एडजॉइंट ए निकालो, हम एडजॉइंट ए निकालेंगे ही नहीं, हम डिटरमिनेंट ए निकाल के उसके साथ रख देंगे आई मैट्रिक्स। ओके सर, आप सब लोग नोट कर लें तो मुझे बताना, ठीक है, मैं चेंज करूंगा फिर। नोटेड सर, नोटेड, ओके। चलिए आगे लिखते हैं प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी देखो बहुत अच्छे से आपको ना लर्न करनी है तभी फायदा कराने का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी के रिलेटेड है, अगर आपको ए इंटू एडजॉइंट ए इसका डिटरमिनेंट या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए का डिटरमिनेंट, क्योंकि दोनों होते तो सेम है ये, इसका डिटरमिनेंट चाहिए तो आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट ए इंटू आई को ऐसे डिटरमिनेंट के अंदर रख लोगे, मतलब तीनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो गया। अब ये तो सेम रखना है आपको, ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट या एडजॉइंट ए इंटू ए का डिटरमिनेंट, ये तो सेम ही रहेगा, इसकी वैल्यू तो चाहिए। हाँ, इक्वल टू में क्या करोगे, ये जो डिटरमिनेंट है ना ये एक नंबर है, और जब ये नंबर इस डिटरमिनेंट से यहाँ पे बाहर आएगा इस जगह, तो ये डिटरमिनेंट ए बाहर तो आ गया लेकिन इसकी होल पावर एन हो जाएगी, जितना ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, और साथ में रह जाएगा मैट्रिक्स आई का डिटरमिनेंट। जरा मैट्रिक्स आई का डिटरमिनेंट बता दो, मैट्रिक्स आई एक तरह का डायगनल मैट्रिक्स होता है, समझो वन, तो मैट्रिक्स आई का डिटरमिनेंट हमेशा वन होता है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखवा रहा हूं आपको। तो आपको प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है, ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट या एडजॉइंट ए इंटू ए का डिटरमिनेंट चाहिए तो सीधा सीधा डिटरमिनेंट ए निकाल लो और उसकी होल पावर एन कर लो। एक्चुअली मुझे प्रॉपर्टी बाद में बतानी थी, पहले मेरे को ये बतानी थी नाइन नंबर। चलो कोई बात नहीं, आप नोट करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक ए मैट्रिक्स को
किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालना है। यहाँ पे के ना कोई नंबर है, तो इसको बोलते हैं, आप लोग याद होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो के को मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से करके अगर डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये आप कितनी बार करोगे देखना आने वाले क्वेश्चंस में, ये जो के नंबर है ना, इसको डिटरमिनेंट से यहाँ बाहर ले आओगे। ये देखो ये बाहर आ गया, डिटरमिनेंट खाली ए के ऊपर रह जाएगा, लेकिन इसके ऊपर उतनी पावर आएगी जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल एन, जैसे देखो मैं आपसे पूछूंगा 2A का डिटरमिनेंट बताओ, तो आप मुझसे पूछोगे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। मान लो मैंने कहा ऑर्डर है 3x3, तो आप कैसे लिखोगे, देखो इसको 2 बाहर आया, ऑर्डर मैंने बोला 3x3, तो होल पावर 3 आ गई 2 के ऊपर, और ये डिटरमिनेंट ए बन गया। ऐसे आप इसको ऐसे लिखोगे। तो जब कोई भी मैट्रिक्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप उस नंबर को डिटरमिनेंट से बाहर कर सकते हो, करना पड़ेगा मतलब आपको इंटेक्ट। तो ये मैं रफ कर देता हूँ। सर, एट वाली प्रॉपर्टी में ऊपर मतलब सेकंड स्टेप क्या लिखा हुआ समझ नहीं आया। ये क्या लिखा है मैंने? यस सर। ये वाला पूछ रहे हो? नहीं, उसके नीचे वाला। देखो उसके नीचे क्या हुआ, ये डिटरमिनेंट का एक नंबर होता है, हम सब मालूम है, जैसे 4 होता है, 5 होता है, -2 होता है, तो ये डिटरमिनेंट, ये वाला जो नंबर है, ये अपने डिटरमिनेंट से बाहर आया। देखो ये बाहर आ गया, होल पावर n आ गई इसके ऊपर, और डिटरमिनेंट रह गया मैट्रिक्स आई के पास। अब मैट्रिक्स आई का जो डिटरमिनेंट होता है वो तो ऑलरेडी 1 होता है, तो हमने इसको नहीं लिखा इसलिए, तो मैंने इसको हटा दिया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। तो सिर्फ मैंने इतना लिखवा दिया आपको कि अगर a इंटू एडजॉइंट या एडजॉइंट इंटू a का डिटरमिनेंट पूछा जाएगा, तो डिटरमिनेंट a की होल पावर n कर देंगे बस। ओके सर, बट वो ऐसे बाहर क्यों लाए हम? एक्चुअली देखो क्या होता है, जैसे ना मान लो मैंने कहा ये एक मैट्रिक्स है 3, 2, -1, 1, 0, 2, 3, 1, 2, ठीक है। मैंने कहा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो आपने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया भाई, 3 लिया, 3 के साथ इसका कोफैक्टर लिया 0, -2, फिर आपने प्लस का 2 लिया, इसके साथ इसका कोफैक्टर लिया 2, -6, -4 आ रहा है लेकिन आपने प्लस 4 कर दिया, फिर आपने -1 लिया, इसके साथ कोफैक्टर आया 1, -0, 1, तो देखो इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है, ये आ रहा है -6, +8, -1, यानी 1 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा इसी मैट्रिक्स को 2 मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डिटरमिनेंट निकालो। अब देखो आपने किया, आपने इसको 2 मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 6, 4, -2, 2, 0, 4 और 6, 2, 4। अब जरा फिर निकालते हैं डिटरमिनेंट, देखो 6 लिया, 6 के साथ कोफैक्टर आएगा 0, -8, -8, फिर प्लस का 4 लिया, इसके साथ कोफैक्टर आएगा 8, -24, 8 में 24 में -16, लेकिन फिर आपने इसको कर दिया +16, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट वाला निकाल लेते हैं -2 के साथ, इसके साथ को फैक्टर आएगा 4, -0, 4, सॉल्व करते हैं, ये आ रहा है -48, +64, -8, तो -56, ये 8 आ रहा है। आप खुद ही देखो, पहले डिटरमिनेंट 1 आया था, ठीक है, आपने मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिटरमिनेंट 8 हो गया, कितना टाइम्स हो गया 1 से 8 अगर देखें तो कितने टाइम्स हो रहा है, ये पहले 1 था ना, फिर 8 हो गया, कितना टाइम्स हो गया ये 8, 1 का, हर रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कह लो कि हर कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिटरमिनेंट भी उतना ही क्यूब मल्टीप्लाई हो गया। तो आप ये कह सकते हो जो ट्वाइस ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू के इक्वल होगा, लेकिन उसके 2^3 के इक्वल होगा। तो ये 3 कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, ये 3 हम लेते हैं उसके ऑर्डर को देखकर, इसलिए ये प्रॉपर्टी बनाई है हमने कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर, जैसे इस 2 को हम यहाँ लाना चाहते हैं, भाई इसका डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट नहीं करना चाहते, तो इसको आप डिटरमिनेंट से यहाँ बाहर ले आओ, ये बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर होल पावर एन आ जाएगी, ठीक है। चलो एक प्रॉपर्टी वाली को आज 10 करते हैं, 10 के क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर 10 करेंगे। 10th प्रॉपर्टी आप और लिखो, ये मैं देखो इसमें से काफ़ी सारी एनसीईआरटी में नहीं है जो मैं लिखवा रहा हूँ, काफ़ी सारी एनसीईआरटी में है। अब आती है नेक्स्ट, मान लो 2 मैट्रिक्स ए और बी हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो दोनों सेम ऑर्डर के हैं, और आपने कहा भी इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो बहुत सिंपल सी बात, आप मल्टीप्लाई मत करो दोनों मैट्रिक्स को,
दोनों के डिटरमिनेंट को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी का डिटरमिनेंट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये नोट करो, हम अपने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। Sir, can you show the last page again? Sure. ये example मत नोट करना, अभी हम करेंगे, इस example की जरूरत नहीं है, इसको मत नोट करना, ये ध्यान देना, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज तो बारिश का मौसम हो गया है एकदम से, अभी भी हाँ जी हो गया। तो आज हमने 10 प्रॉपर्टी लिख ली है फॉर वन मार्क क्वेश्चन, अब इनके कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। Should I start now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखते जाइए फटाफट से। क्वेश्चन देखो एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आएगा, A is a square matrix of order 3×3, यानी कि n अगर यूज करना हो तो 3 यूज कर लेना, और उसका जो डिटरमिनेंट है वो दिया हुआ है 2, और आपसे पूछी जा रही है फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ -3a। ठीक है, तो आपने देखो कैसे, मैं आपको एक लिख के दिखा रहा हूँ कि वन मार्क में आप कैसे दिखाओगे सॉल्यूशन। -3a का डिटरमिनेंट चाहिए तो -3 को डिटरमिनेंट से बाहर ले लो, ये बाहर आ गया। अब बताओ ये बाहर तो आ गया, इसके ऊपर होल पावर कितनी आएगी? 3, 2, 3, 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 3
इनटू करना है डिटरमिनेंट ए से, वो आपको 2 दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया -54। एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब होता है वन सेंटेंस या वन लाइन क्वेश्चन होना। तो आपको देखो ये प्रॉपर्टी दिखानी है कि कैसे हुआ है -54। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे एग्जाम होते हैं तो बस आंसर लिख के आते हैं सॉल्यूशन 1 -54 आंसर। -54 आंसर पे चाहे तो बोर्ड में टीचर आपका 0.5 कट कर सकते हैं कि आपने बताया नहीं कैसे -54। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बताना है कैसे -54। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन से सुनो, मैं आपको ना ये नहीं ये लाइन नहीं बोलूंगा, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, या बाय डिफॉल्ट मान के चलना कि हर क्वेश्चन में ऑर्डर 3x3 हो रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखते जाओ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजॉइंट ए इंटू ए का डिटरमिनेंट ये फाइंड करना है, और जबकि डिटरमिनेंट ए हमारा 3 है। एडजॉइंट ए इंटू ए का डिटरमिनेंट चाहिए और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 3 गिवन है। ऑर्डर अगर आपको यूज करना हो तो आप 3 यूज कर सकते हो। हाँ जी बताओ, आंसर बताओ। 27। देखें एक बार, 9। देखो ये री प्रॉपर्टी कहां गई, ये री ना, एडजॉइंट ए इनटू ए का डिटरमिनेंट चाहिए तो क्या करना है, डिटरमिनेंट ए लिखकर उसकी होल पावर एन लगानी है, बस 27 आपका करेक्ट आंसर है। तो आपने क्या लिखना है सॉल्यूशन में, भाई एडजॉइंट ए इनटू ए, इसका अगर डिटरमिनेंट चाहिए तो आपने प्रॉपर्टी शो कर दी भाई ये तो डिटरमिनेंट ए की होल पावर एन होता है यानी 3, और डिटरमिनेंट आपका 3 है तो 3³=27, दैट्स ऑल। अच्छा चलो आप बताओ क्वेश्चन 3, ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट दिया हुआ है 64, आप मुझे बताओगे डिटरमिनेंट ए क्या होगा। अभी प्रॉपर्टी आप देख लो, अभी एकदम से याद नहीं हो पाएंगे ना सारी एक साथ। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट 64 है तो डिटरमिनेंट ए बताओ क्या होगा। ए का ऑर्डर 8 होगा, तो ए का ऑर्डर क्या
ऑर्डर तो मैंने कहा ना थ्री बाई थ्री लेके चलते रहो आप, हर क्वेश्चन में थ्री बाई थ्री ऑर्डर मान लो आप. मैं हर बार नहीं बोल रहा ना थ्री बाई थ्री ऑर्डर आप. सर ए प्लस माइनस एट, प्लस माइनस एट या एट, दोबारा सोच के जवाब दो. यस आपका मिशिता बिल्कुल करेक्ट आंसर है. देखो बच्चों एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है जैसे कि 64, ठीक है. आपने एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज की डिटरमिनेंट ए टू दी पावर एन माइनस वन, तो एन तो मैंने आपको थ्री दिया हुआ है, दैट मीन्स ये डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो गया. और बहुत सारे बच्चे 98% बच्चे इसकी वैल्यू लिख के आते हैं एट, यहाँ पे 0.5 लेस हो जाएगा वन मार्क्स में से, जबकि यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस एट, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है कोई मॉडुलस नहीं है, और डिटरमिनेंट तो नेगेटिव वैल्यू के भी होते हैं, तो प्लस माइनस एट आपको दोनों शो करने हैं, ये आपको ध्यान रखनी है खास बात. तो प्रॉपर्टी हमने शो करी थी टीचर को, भाई एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, वो डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन होता है, एन हमने थ्री लिया हुआ है. ये लो नेक्स्ट लिखो, ए इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आपको ये सामने नजर आ रहा है दिया हुआ है 10 0 0 0 10 0 और 0 0 10. ये ए इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आपके सामने है, आप मुझे बताओगे इसको सॉल्व करके 2a का डिटरमिनेंट. ध्यान से प्रॉपर्टी देख लो मैंने लिखवाई आपको. टू वे का डिटरमिनेंट आप मुझे बताओगे, वन मार्क क्वेश्चन होगा. एटी. ओके एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स. भाई कोई और भी जॉब दे दिया करो, चैट बॉक्स में लिख दो, कहीं भी लिख दो. अच्छा चैट बॉक्स मैंने इनेबल नहीं कर रखा, इनेबल कर दिया चैट बॉक्स. एक बच्चे का आंसर 80 है, और कोई? हाँ जी बताओ. I'm audible? Yes. कुछ बोल नहीं रहा ना, पता नहीं चल रहा. देखो तो बताता हूँ. चलो वैसे मिश्रा आपका आंसर एकदम करेक्ट है. देखो सबसे पहली बात हमें a into adjoint a की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है. ध्यान रखना डिटरमिनेंट नहीं है ये, a into adjoint a है, और ये होता है डिटरमिनेंट a into i. अच्छा इक्वल टू में हम देख रहे हैं कि ये तो 10i मैट्रिक्स है, आपने इसको लिख दिया ये 10i है, तो लो सामने दिखाई दे रही है डिटरमिनेंट a की वैल्यू. डिटरमिनेंट a की वैल्यू इसका मतलब 10 हो गई. अब क्वेश्चन आता है भाई 2a का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले 2 को तो बाहर लेके आओ. जैसे ही 2 बाहर आएगा इसके ऊपर पावर 3 आएगी, दिखाई दे रही है देखो ऑर्डर 3/3 का है हमारे पास, और डिटरमिनेंट a रह जाएगा. तो देखो दो प्रॉपर्टी एक साथ यूज हुई इस क्वेश्चन के अंदर, 2³ 8 हो गया, डिटरमिनेंट a 10 हो गया, आंसर हो गया 80. इस तरह से यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ देखा जाए तो यहाँ से. तो a into प्रॉपर्टी कराई थी डायगोनल मैट्रिक्स वाली. हाँ हाँ बिल्कुल. तो सर वो हम इसमें यूज नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते है, लेकिन आप देखो ना अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल दूं, इसका डिटरमिनेंट, तो मेरे पास तो वो ये आ जाएगा a into adjoint a का डिटरमिनेंट आ जाएगा, वो तो ये आ जाएगा, वो तो आपका हो गया 10 × 10 × 10, 10³ हो गया यानी 1000 हो गया. लेकिन मैं इसका करूंगा क्या, मुझे तो डिटरमिनेंट ही चाहिए किसी भी तरीके से. तो अब एक काम करो, अब लगा लो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है डिटरमिनेंट a इंटू आई और इक्वल टू है 1000, और ये जो डिटरमिनेंट a है, सॉरी ये डिटरमिनेंट a इंटू आई का होल, सॉरी ये होता है डिटरमिनेंट डायगोनल में निकालने के लिए डिटरमिनेंट, जैसे x 0 0 0 y 0 और 0 0 z है, तो सर डिटरमिनेंट a x y z हो जाता है. यस बिल्कुल हो जाता है डायगोनल वाले में. हाँ बिल्कुल होता है. तो सर हम इसमें नहीं लगा सकते वो? देखो मैं वही कह रहा हूँ, सर वो तो 1000
हाँ देखो ये 1000 हो गया ना, 10 into 10 into 10 1000 हो गया, 1000 आपने क्या निकाला है, a into adjoint a का determinant निकाला है ना, determinant का sign बना दिया इसलिए, और a into adjoint a का determinant होता है determinant a की power n, तो determinant a की power 3 अगर 1000 होगा तो determinant a 10 हो गया, देखो यहाँ से भी 10 ही आया, ऐसे भी 10 आ रहा है देखो determinant a, हमने इसका determinant नहीं निकाला, हमने उसको लिख दिया भाई ये जो matrix है तो 10 आई है, ये जो matrix right hand side पे, और ये जो a into adjoint a होता है वो determinant a into i होता है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो डिटरमेंट ए की वैल्यू 10 हो गई, ये 10 हो गई इसकी वैल्यू, यहाँ से भी 10 ही आ रही है, अगर आप डिटरमेंट निकाल भी लेते हो तो भी इसकी डिटरमेंट ए की वैल्यू 10 ही आ रही है, ये लो एक और लिखता है, एक और करके देखो, क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स आप नोट कर लो, ऑर्डर अपना आप देख लेना क्योंकि मैट्रिक्स सामने दिया हुआ है, cos theta sin theta minus sin theta cos theta, ठीक है ये आपका मैट्रिक्स है, और ये दिया हुआ है a into adjoint a, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका k 0 0 k, ये दो चीजें दी हुई हैं, am audible? Yes sir. ये दो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है मैट्रिक्स ही आपके सामने है, 2x2 ऑर्डर का है, ऑर्डर 2 लेना है इस बार आपने, और a into adjoint a करके आ रहा है k 0 0 के, आप मुझे k की वैल्यू बता दो, ये लो अब आप देखो a into adjoint a प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है, पहले प्रॉपर्टी देखो, हाँ बोलो मिशिता सर, I had lost my connection, I last thing I did okay. was that question of This one you did it. Just check this one. The question A into adjoint A equal to 10, 0, 0. Yeah. I think you have given the answer first. Mishita, voice break ho rahi hai. Yes, sir. Ye ho gaya tha na, Mishita? Achha. Actually, voice break ho rahi hai aapki. Garb, theek hai answer bilkul. Ab next question, Mishita, maine yehi diya hai, dekho. वॉइस ब्रेक हो रही है ड्यू टू सम आई थिंक ये हां ये वाला हो गया अच्छा अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो मिशिता घर में आंसर दिया है मेरे को इसका आंसर इज 1 बहुत इजी है देखो a into adjoint a प्रॉपर्टी बताओ क्या होती है a into adjoint a ऐसे यूज करते करते याद हो जाएगी आपको a into adjoint a is डिटर्मिनेंट ए इंटू आई और सामने आपका चल रहा है के इंटू आई मैट्रिक्स है ना ये देखो ना सामने ये के इंटू आई मैट्रिक्स है तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू के हो गई सबसे पहली बात अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू के इक्वल है अब डिटर्मिनेंट ए कहाँ से लाएं भाई ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ इससे ले आते हैं ये अलग से निकाल के दिखा देते हैं डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब देयरफॉर k इक्वल टू 1 बस खत्म हो गया देखो क्वेश्चन तो a into adjoint a प्रॉपर्टी देखो कितनी यूज हो रही है ये डिटरमिनेंट a into i होता है और सामने है k into i तो डिटरमिनेंट a k के इक्वल होगा और डिटरमिनेंट a की वैल्यू मैट्रिक्स से निकाली हमने तो 1 आ रही है तो इसका मतलब k की वैल्यू 1 होगी सिंपल क्वेश्चन एक और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स ए है इसका डिटरमिनेंट माइनस टू है एक मैट्रिक्स बी है इसका डिटरमिनेंट 3 है दोनों 3x3 ऑर्डर के हैं ठीक है और आपको मुझे फाइंड करके देना है माइनस टू ए बी का डिटरमिनेंट ये फाइंड करके देना है आपने मुझे माइनस टू ए बी का डिटरमिनेंट जल्दी से जी आया किसी का आयुष का आंसर 12 आ रहा है चेक करते हैं और कोई
कर्व का भी 12 आ रहा है. ओके चेक करते हैं. देखो और कोई आंसर देना चाहेगा? दो बच्चों का सेम आंसर है, आयुष और गर्व दोनों का 12 12. एक और आंसर आया, रुको, साहिल का भी 12 आया है. तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देखो इसका आंसर बेटा 12 नहीं आएगा. देखो सर इसका आंसर 48 आएगा. 48 आ रहा है. ओके चलो चेक करते हैं. अब देखो मान लो 48 आ रहा है तो कैसे आ रहा है, और वेट कर लेता हूं, रुको मैं. वॉइस ब्रेक हो रही है. माइनस 48 चलो चेक करते हैं एक बार. ठीक है आप चेक कर लेते हैं. माइनस 48 नीचे तक आ रहा है. ठीक है देखो सबसे पहला काम, ये जो नंबर है ना माइनस टू जो नंबर है इसको पहले डिटरमिनेंट से बाहर ले आओ. तो ये माइनस टू की होल पावर 3 हो गया. सबसे पहला काम है आपका, जो भी नंबर आपका डिटरमिनेंट के अंदर होता है ना पहले इसको बाहर लाके रख लिया और होल पावर 3. अब डिटरमिनेंट रह गया ए बी के ऊपर, और ए बी का डिटरमिनेंट ये माइनस 8 हो गया. डिटरमिनेंट ए बी होता है डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, तो माइनस 8 तो माइनस 8 रहेगा इंटू माइनस 2 और इंटू 3. तो आंसर क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 2 जा 16, 3 जा ये हो गया 48. तो आंसर हुआ प्लस 48. ध्यान रखो देखो आपने शायद बताऊँ कैसे किया है, आपने शायद ऐसे कर दिया. देखो माइनस 2 को माइनस 2 लिया, यहाँ रख दिया डिटरमिनेंट ए माइनस 2 और यहाँ रख दिया डिटरमिनेंट बी 3, और इसको आपने मल्टीप्लाई करके मुझे बोल दिया 12 आंसर. ये रॉन्ग हो गया. देखो हम माइनस 2 को डिटरमिनेंट ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स ए है, ये डिटरमिनेंट नहीं है ए का. देखो ना ये माइनस 2 ए बी है. तो क्वेश्चन कहता है पहले माइनस 2 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसको बी से मल्टीप्लाई करो. तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है ही, मल्टीप्लाई कैसे करें. हमने कहा चलो इसको इसने बाहर निकालो, तो ये माइनस 2 बाहर आ गया. इसलिए अब ये इसकी होल पावर एन बन गया. अब हम कहेंगे भाई डिटरमिनेंट ए बी का रह गया है. अब डिटरमिनेंट ए बी का रह गया तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी. देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने, ये वाली लास्ट वाली, ये रहा. ए बी का डिटरमिनेंट चाहिए तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों के डिटरमिनेंट को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया. आया समझ में, आया वाला क्वेश्चन? तो इसका आंसर 48 है. ये बोर्ड का क्वेश्चन दिया मैंने आपको, वन मार्क में आया हुआ. चलो तो फिर और नहीं करते हैं. आपको क्या करना है देखो, आज क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत करवाऊंगा, आप बस ये जो 10 प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई इन्हें अच्छे से याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में 10 अभी और आ जाएंगे. तो 10 करके करेंगे ठीक है, फिर प्रैक्टिस करते जाएंगे इनकी मिक्स क्वेश्चन की, हो जाएगा हमारा. ठीक है जी, चलिए तो मैं स्टॉप कर दूँ शेयरिंग.